पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गांधीनगर पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जम्मू कश्मीर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत पर स्कूल के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं, छात्र व छात्राओं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने मिलकर उनकी शहादत को नमन करते हुए मोमबत्तियां जलाकर उनको अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित की। हृदय को झकझोर देने वाली इस दुखद घटना के सभी को द्रवित कर दिया। इन शहीदों के जीवन की पूर्ति करना नामुमकिन है। इस दुखद और हृदय विदारक घटना को भारत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दुखद समय में गांधीनगर पब्लिक स्कूल की अध्यापक अध्यापिकाएं नीलम अग्रवाल, नेहा गुप्ता, इंदुवाला, दीपक रस्तोगी आदि ने श्रुतिपूर्ण नेत्रों से उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी का एक ही मत था कि अब एक भी आतंक बचना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े। उनके इस घृणित कुकृत्य के लिए भारत वार्ता न करे बल्कि उनको समूल नष्ट करे। आज हम लोगों ने यहाँ अपने गांधीनगर पब्लिक स्कूल में कल पुलगांव में हुई जो घटना थी जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 से ऊपर जवान शहीद हुए और इससे ज़्यादा ही घायल हैं, उस घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक सभा आयोजित की जिसमें बच्चों ने अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से उनको अपनी संवेदना व्यक्ति, उनके परिवारों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। टीचर्स ने भी उनको अपनी संवेदना दी, कैंडल से लाकर बच्चों ने भी कैंडल जलाई। विचार सिर्फ एक था, देश एक है, देश के सुख दुख एक हैं, देश में होने वाली इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें भी हमारी संवेदना एक है। उन परिवारों के जिनके बच्चे गए, जो शहीद हुए हैं, उनको भी हमने संवेदना व्यक्त की। आज मुरादाबाद शहर में, पूरा मुरादाबाद इस दर्द में डूबा हुआ है कि ये क्या हुआ हमारे देश में, कैसे हमारे बच्चे शहीद हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मेरा भाव है कि हम सब मिलकर इस देशभक्ति की भावना को बनाए रखें कि हमारा देश एक है। इसमें रहने वाले सभी भक्त, हमारे सैनिक, हमारे देशवासी सभी अपनी देशभक्ति को बनाए रखें। और मैं आज इस अवसर पर, जो बहुत दुख का अवसर है, मैं अपनी श्रद्धांजलि उन सब शहीदों को देती हूँ, उन घायल सैनिकों को देती हूँ और उनके परिवारों को देती हूँ। ईश्वर उन सबको इस दर्द को सहने की शक्ति दे।